हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू बुद्धि मॉम्स किचन। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। पराठों के साथ चटनी का जो कॉम्बिनेशन है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानी खाने में चटनी का बड़ा महत्व है। भारत में कई वेराइटीज़ की चटनी बनती हैं, उन्हीं में से एक है हरी चटनी, जिसे हम धनिया टमाटर चटनी भी बोलते हैं। इस चटनी को आप किसी भी तरह के पराठे पकौड़े के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन और मिर्चा। आधा कटोरी हरी चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 हरी मिर्च। ये नॉर्मल तीखी चटनी के लिए है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 4 से 5 कलियां लहसुन की, 1 मीडियम साइज का लाल टमाटर, आप चाहें तो हरा टमाटर भी ले सकते हैं, उससे चटनी का कलर बिल्कुल हरा आएगा। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और हरी धनिया। हरी धनिया की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखनी है। अब हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे। उस ब्लेंडिंग जार में पहले हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे, फिर बारीक काट के हरी मिर्च, अदरक, धनिया, लहसुन सब डाल देंगे एक के बाद एक। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। हमें ब्लेंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। हम एक बार चम्मच की हेल्प से देख लेंगे कि अच्छा स्मूथ पेस्ट बना है या नहीं। अगर कोई पार्टिकल रह गया है, कोई लहसुन का या अदरक का, तो हम एक बार फिर से उसको ब्लेंड करेंगे। यहाँ देखिए मेरे कुछ पार्टिकल्स रह गए हैं, इसलिए मुझे फिर से इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं इस पेस्ट को ब्लेंड करूँगी और ब्लेंड करके एक स्मूथ पेस्ट बनाऊँगी। अब हमारी चटनी बिल्कुल स्मूथ बनी हुई है, तो इसमें अब नमक डालें और सर्व करें। इस चटनी को आप किसी भी तरीके के पकौड़े, पराठे या सैंडविच के साथ में सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बनाने में उतने ही आसान होते हैं। अगर आपको हरी चटनी की ये बेसिक रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।